महिंद्रा थार अब सिर्फ 8 लाख में विद न्यू 1.5 लीटर डीजल इंजन जो आपको महिंद्रा एक्सयूवी 300 में देखने को मिलता है एंड ये गाड़ी अगले साल 26 जनवरी 2023 में लॉन्च हो जाएगी यानी कि रिपब्लिक डे वाले दिन। इस गाड़ी के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, इस गाड़ी में आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी पावर फिगर्स क्या रहने वाली है एंड इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 8 लाख, हम इसके प्राइस के बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, मैंने इस चैनल पे आपको कई बार बताया कि मारुति की तरफ से भी एक न्यू एसयूवी लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है मारुति जिम्नी 5 डोर जो कई बार लद्दाख में टेस्टिंग होती हुई पाई गई है। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं ये तब की इमेज है जब ये गाड़ी टेस्टिंग में थी एंड इसके पीछे ग्रैंड विटारा भी है। सो इस गाड़ी को ही ध्यान में रखते हुए अब महिंद्रा अपनी थार लॉन्च करेगा विद 1.5 लीटर डीजल इंजन जिसका प्राइस काफी कम रहने वाला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल थार जिसमें आपको 2.0 लीटर एंड 2.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। सो आप कह सकते हैं कि मारुति जिम्नी के डर से महिंद्रा को ये डिसीजन लेना पड़ा कि अब वो अपनी महिंद्रा थार 1.5 लीटर लॉन्च करेगा जिसका प्राइस भी कम होगा एंड उसमें आपको रियर व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स की। जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं ये 1.5 लीटर महिंद्रा थार की इमेजेस है फ्रंट से। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं आपको कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल थार, आपको सेम डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। बैक लुक भी आपको एकदम सेम देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। फर्क यही है इसके इंटीरियर में, आपको इंटीरियर में अब 4x4 का जहाँ पे लीवर होता था वहाँ पे आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं। बाकी आप इसके डॉक्यूमेंट्स देख ही सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल कोई भी चेंज नहीं होने वाली, जो चेंज है वो मैंने आपको बता दी। एंड कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस गाड़ी में आपको कितने वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। इस गाड़ी में आपको हर एक वेरिएंट देखने को मिलेगा लोअर वेरिएंट से लेके टॉप एंड वेरिएंट यानी कि LX तक। आपको फीचर भी उसी हिसाब से देखने को मिल जाएंगे यानी कि लोअर वेरिएंट में सबसे कम फीचर्स एंड टॉप एंड वेरिएंट में सबसे ज़्यादा फीचर्स जैसे कि टच स्क्रीन वगैरह। सो बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शंस की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस गाड़ी में आपको XUV 300 वाला इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर फर्क यही होने वाला है XUV 300 आपको फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिलती है, पर थार 1.5 लीटर के साथ आपको रियर व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगी। रियर व्हील ड्राइव इंजन ऑप्शन की काफ़ी बढ़िया ऑफ रोड कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर आप इसका लाइव सबूत देखना चाहते हैं आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा वहाँ जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारी XUV 500 एक स्टीप इंक्लाइन नहीं चढ़ पा रही थी ऑफ रोड इंक्लाइन क्योंकि वो एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार थी। सो अगर हम इस गाड़ी के इंजन के डिटेल्स में जाएं, इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो प्रोड्यूस करेगा 121 bhp एट द रेट 300 nm ऑफ टॉर्क एंड ये गाड़ी आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी देखने को मिल जाएगी। ऑटोमेटिक का अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई पर डेफिनेटली आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि XUV 300 में आपको देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स आपको वही सेफ्टी फीचर्स कंटिन्यू कर दिए जाएंगे जो आपको नॉर्मल थार में देखने को मिलते हैं। बेसिकली इस गाड़ी और नॉर्मल थार में कोई भी फर्क नहीं होने वाला, आपको वही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, वही डायमेंशंस, वही बॉडी शेल, बस फर्क यही होने वाला है आपको इंजन की जगह एक न्यू इंजन देखने को मिल रहा 1.5 लीटर का एंड थोड़ा बहुत वेट में फर्क होगा 80-90 kg का। सो कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब थार में आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा एंड उस गाड़ी में आपको पावर भी कम देखने को मिलेगी। सो वहाँ ये लोग बिल्कुल गलत है, जो 1.5 लीटर का इंजन है वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है एंड अगर आप थार की ओवरऑल बॉडी देखेंगे वो इतनी भी भारी नहीं है, आपको सिर्फ 3 डोर्स देखने को मिलते हैं एंड 1.5 लीटर का इंजन आपको महिंद्रा बुलेरो में भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, उसमें आपको कोई भी पावर की कमी नहीं फील होती एंड उसकी भी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज काफ़ी बेटर हैं। जहाँ हमारी महिंद्रा XUV 500 फेल होगी, अगर आपने वो वीडियो चेक करी होगी, वहाँ महिंद्रा बुलेरो 1.5 लीटर वाली मज़े से चढ़ गई थी। सो ये वाली थार वो लोग भी ले सकते हैं जिनको 4x4 से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि उनको 4x4 कभी भी यूज़ नहीं करना, ना वो ऑफ रोडिंग करते हैं, बस उनको सिटी ड्राइव करनी है, पर उनको लेनी भी थार है। सो 1.5 लीटर वाली थार वो ले सकते हैं।
सो बात करते हैं इस गाड़ी के एक्सपेक्टेड प्राइस की। सो जिसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है वो 8 लाख से 10 लाख के बीच में होगा, डेफिनेटली 10 लाख से कम ही होने वाला है, एंड ये मैक्सिमम 13 लाख तक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। सो इसका प्राइस बेसिकली इसलिए कम है, इस गाड़ी में वैसे भी आपको 4 मीटर से कम लेंथ देखने को मिलती है। दूसरा नंबर ये है कि अब इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलेगा, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स भी कम मिलता है एज कम्पेयर टू इससे बड़ा इंजन, यानी कि 1.5 लीटर से ज़्यादा बड़ा इंजन लेंगे उसमें आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू छोटा इंजन। सो उम्मीद करता हूँ मैंने आपके डाउट्स इस गाड़ी के रिलेटेड सारे क्लियर कर दिए होंगे। इस गाड़ी में बस आपको एक ही कमी देखने को मिलेगी, वो है 4x4 इंजन ऑप्शन, बाकी आपको कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती। एंड मोस्टली जो थार लेते हैं वो अपनी गाड़ी खड्डे वड्डे में डालना कम ही पसंद करते हैं, यानी कि उससे ऑफ रोड कम ही करते हैं एज कम्पेयर टू वो नॉर्मल ड्राइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं और नॉर्मल रोड्स, क्योंकि थार एक स्टाइलिश गाड़ी है एंड उसको लोग काफ़ी कम एज ए ऑफ रोडर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको महिंद्रा थार सिटी ड्राइव के लिए चाहिए, आप अगले साल का वेट करें, आप 1.5 लीटर वाली महिंद्रा थार लें। एंड अगर आपको एक प्योर ऑफ रोडर चाहिए, आप 1.5 लीटर को छोड़ के बड़ी थार ले सकते हैं, जिसमें आपको 4x4 इंजन ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बड़ी इन द मींस महंगी थार, जिसमें आपको बड़ा इंजन एंड 4x4 इंजन देखने को मिल रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जब मारुति जिम्नी इंडिया में लॉन्च होगी, ये डायरेक्ट 5 डोर्स के साथ लॉन्च होने वाली है। इसका सबूत आप देख ही पा रहे हैं, जब ये गाड़ी टेस्टिंग में थी इसमें आपको साइड पे 2 डोर्स देखने को मिल जाएंगे, पर हमारी महिंद्रा थार अभी तक आपको सिर्फ 3 डोर्स के साथ ही अवेलेबल है, पर 2023 में इसका भी फेसलिफ्ट आ रहा है, यानी महिंद्रा थार विद 5 डोर्स। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, महिंद्रा थार विद 5 डोर्स भी कई बार इंडियन रोड्स पे स्पॉट होती हुई पाई गई है, जैसा कि आप इमेजेस देख ही पा रहे हैं, ये महिंद्रा थार है विद 5 डोर्स। सो जैसा कि आपने देखा, महिंद्रा आज की डेट में हर एक चीज कर रहा है जो उसको करनी चाहिए टू सर्वाइव इन इंडियन कार मार्केट। एंड इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं इन्हीं गाड़ियों का कॉम्पिटिशन एक और गाड़ी है हमारी फोर्स कुरखा, एंड उसका भी अभी तक आपको सिर्फ 3 डोर वर्जन ही देखने को मिलता है, पर 2023 में उस गाड़ी का भी आपको 5 डोर वर्जन देखने को मिल जाएगा। इसका सबूत भी आप सामने देख ही पा रहे हैं, फोर्स गुरखा विथ 5 डोर्स। सो ये गाड़ी भी कई बार इंडियन रोड्स पे स्पॉट होती ही पाई गई है, यानी कि टेस्टिंग में। सो अगर आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि महिंद्रा थार 5 डोर, फोर्स गुरखा 5 डोर या मारुति सुजुकी जिम्नी 5 डोर, इन तीनों में से आपको कोई गाड़ी लेनी हो आप कौन सी लेंगे कमेंट में मुझे बता देना। सो मेरा आज वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि मैं आपको 1.5 लीटर वाली महिंद्रा थार के बारे में बता पाऊँ, उसके साथ मैंने आपको बाकी गाड़ियों के बारे में भी बता दिया, इंक्लूडिंग महिंद्रा थार 5 डोर्स। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में मुझे बता देना। सो जाते जाते मैं आपसे फिर से इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है, दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना।